हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे आइस मेकर, जिसके लिए हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे पेल्टियर 12706। ये छोटा सा डेमो है, आप इसे देखिए। आप देख सकते हैं हीट सिंक के ऊपर आइस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है और ये आइस मॉइस्चर की है। ये हमारा मॉड्यूल है टेक 12706। इसके लिए हमें वोल्टेज चाहिए होगी 12 वोल्ट डीसी और एम्पियर चाहिए होंगे 5 एम्पियर। ये हमारा हीट सिंक है, क्योंकि ये एक साइड से कोल्ड होता है और एक साइड से हॉट। ये थर्मल ग्रीस है, जो कि यूज़ में आता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए या कोल्ड को ट्रांसफ़र करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं, थर्मल ग्रीस की पेस्टिंग करते हैं हीट सिंक के ऊपर और पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर। पेल्टियर मॉड्यूल की जो बॉटम साइड है, उस पर मैं ग्रीसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला हॉट सरफेस है और जिस पे नंबरिंग थी वो कोल्ड साइड है, जिस पे आइस की फॉर्मेशन होती है। रबर बैंड से हम इसको टाई कर देंगे ताकि ये हिले ना। मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट के दो डीसी फैन लिए हैं, जिनका कनेक्शन पैरेलल में है, ताकि ये ज़्यादा एम्पियर ले पाएँ और ये काम करेंगे हीट आउट करने का। तो यहाँ पे हम अपना पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको करंट और एम्पियर देना, देखते हैं कितना ठंडा होता है और कितना गर्म। ये हमारा डिजिटल थर्मामीटर है, ये माइनस में 50 डिग्री तक और प्लस में 150 डिग्री तक रीडिंग देता है। अभी पेल्टियर मॉड्यूल का ये टेम्परेचर शो कर रहा है 27.4 डिग्री। इसी 5 वोल्टेज पे ही दोनों फैन स्टार्ट हो गए हैं और ये हल्का हल्का कूलिंग भी करने लग गया होगा।
वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना और माइनस में जाता है टेम्परेचर। जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर 8-9 डिग्री के नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हीट आउट कर रहा है मॉड्यूल वो ज़्यादा कर रहा है और डीसी फैन इतनी हीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम अपने हीट सिंक को वाटर के अंदर रख के ट्राई करते हैं। यहाँ मैंने एक एल्यूमिनियम का कंटेनर लिया है जिसको मैंने कोल्ड वाटर से फिल किया है। अब हम टेस्ट करते हैं। पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर मैं वाटर की ड्रॉपलेट्स डाल रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर में फ्रीज होती हैं। देख सकते हैं वाटर की ड्रॉप्स फ्रीज होने लग गई हैं, ट्रांसपेरेंट से ओपेक होती जा रही हैं। ये वो वाटर की ड्रॉप है जो फ्रीज हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मॉड्यूल 1 से 1.5 मिनट ले रहा है फ्रीजिंग करने में। चलिए अब हम आगे ट्राई करते हैं मॉइस्चर को फ्रीज़ करने में, जिसके लिए हम पेल्टियर के टॉप पॉइंट के ऊपर मेटल के पीस को रखेंगे जो कि हीट सिंक का काम करता है। ये हमारा कंप्लीट मॉड्यूल रेडी हो गया है। चलिए ट्राई करते हैं मॉइस्चर को फ्रीज करने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हीट सिंक के टॉप एजेस पॉइंट हैं वहाँ पे आइस की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं एजेस के ऊपर आइस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। ये छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल्स हैं और जो पास के एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है उसको ये फ्रीज कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।